टावर के पास जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन अगल बगल आसपास के इलाकों में लगातार वो तस्वीरों और खासतौर से लोगों के मन की बात आप तक आज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आप जानेंगे कि भ्रष्टाचार की ये इमारत जब ढहेगी उसके बाद एक हिस्सा कितने सुकून में जिएगा, तो दूसरा हिस्सा सवाल पूछ रहा है आम आदमी का कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कब होगी। ये रिपोर्ट। एक धमाका 9 सेकेंड और मेरे पीछे खड़ी ये गगनचुंबी इमारत ध्वस्त हो जाएगी, जमीन दोस्त हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ इस इमारत को गिराने के लिए 181 दिन की मेहनत की गई है और अब 9000 छेद के साथ विस्फोटक भरने के साथ आप समझिए इस पूरी इमारत में विस्फोटक लगा दिया गया है और एक बटन दबाने के साथ एक धमाका होगा और पूरी इमारत जमीन दोस्त हो जाएगी। हालांकि इसे वाटरफॉल टेक्निक के साथ बनाया गया है और कोशिश यही है कि इमारत जो है वो पूरी एक तरीके से जमीन पे आ जाए, कंटेनर नीचे बनाए गए हैं ताकि जो मलबा है वो वहीं पर आकर जमा हो जाए। सोसाइटी के लोगों को कहा गया है आसपास के कि वो इस जगह को खाली छोड़ दें, 7 बजे का वक्त है जब उन्हें खाली कर देना था, लोग यहां से चले भी गए हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीर मेरे साथ ही साथ देख रहे हैं पूरी रोड में किस तरीके का इंतजाम हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इससे जो मलबा गिरेगा, क्योंकि इतनी इमारत बड़ी जो है वो भारत में शायद पहली बार है जब इतनी मंजिला इमारत जमीन दोस्त होने वाली है और इसका मलबा हटाने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। कोची से इसकी तुलना की जा रही है, कोची में भी कुछ ऐसी ही इमारत गिराई गई थी लेकिन वो थोड़ी छोटी और उसके चारों तरफ पानी था जिससे बहुत नुकसान की संभावना नहीं थी, लेकिन यहां पर क्योंकि रिहायशी इलाका अगल बगल है लोगों के घरों को नुकसान ना पहुंचे इसलिए यहाँ कोशिशें और पुख्ता की गई हैं, तैयारियां और पुख्ता की गई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगर हम साइड में ही आपको दिखाएं यही ट्विन टावर, आप देखिए अगल बगल की जो इमारतें हैं उनको ढक भी दिया गया है कपड़ों से ताकि जो पानी जो धुएं का गुब्बार होगा उससे रोका जा सके, साथ ही साथ हवा को जो दबाव बनेगा उससे कांच जो लगे हुए हैं दरवाजे में खिड़कियों में वो टूट सकते हैं, इंश्योरेंस भी करवा दिया गया है। और इसी के साथ साथ तैयारी ये है कि ये धमाका हो। हालांकि आपको बता दें भ्रष्टाचार की नींव थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की लड़ाई के बाद ये आदेश दिया गया कि इस इमारत को गिरा दिया जाए। आपको दिखाएं यहाँ देखिए आप ये ग्रीन बेल्ट, जैसे आप यहाँ पर ये पेड़ पौधे या ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं वैसे ही बिल्डर ने दावा तो ये किया था कि ये ट्विन टावर जो अब यहाँ पर इतना बहुमंजिला खड़ा है यहाँ पर पेड़ पौधे बनेंगे, लेकिन वो पेड़ पौधे लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ इमारत 14 मंजिल हुई उसके बाद 30 और 35, उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में गया हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से और कोर्ट का ये आदेश आया है। तो तैयारियां पूरी हैं, बस एक धमाका और पूरी बिल्डिंग धड़ाम। कैमरा मैन अजय के साथ अर्पिता आर्य, आज तक। एक सीधी तस्वीर है उसी ट्विन टावर की, टावर ऑफ करप्शन, और आखिरकार इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। घड़ी की सुइयां अब उल्टी चल रही हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक 2:30 पे मैं आपको बता दूं ये 2:29 भी नहीं होगा, 2:31 भी नहीं होगा, ठीक 2:30 पे जो मास्टर ब्लास्टर्स हैं जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम है जेड कंपनी की और रेडफिस जो इंडियन कंपनी है, ये तमाम सारे लोग मुझसे महज 150 मीटर की दूरी पर, वो आप जो सफेद कैनेपी देख पा रहे हैं यहां पर बैठे हुए हैं, जो एक्सप्लोसिव्स लगाए गए हैं उसका कनेक्शन वहां पर है, और नीली वर्दी में और लाल टोपी में आप जिनको देख पा रहे हैं यही हैं वो मास्टर ब्लास्टर्स जो इन धमाकों को अंजाम देंगे। ये 12 लोगों की एक टीम है, आपको यही बताया कि ये वही टीम है जो हर दिन 32 मंजिला ऊपर चढ़ती थी चेक करने के लिए फाइनल कनेक्शन ताकि कहीं पर लूज सर्किट ना रह जाए, वहीं से धमाकों को अंजाम दिया जाएगा। ज्यादातर लोगों ने अपनी बालकनी आप देखिए हरी नीली काली थैलियों से इसको जो है क्लॉक दिया है ताकि किसी भी हाल में जब यह गिरेगा तो धूल और उसके कंकड़ ना जाने पाए। इमारत की सुरक्षा की तस्वीरों की बात अगर करें तो ये जो जियो सिंथेटिक क्लोथ है ये इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि जैसे ही धमाकों के साथ पार्टिकल्स जो होते हैं, हालांकि उनके बाहर जाने की संभावना कम है क्योंकि एक्सप्लोजन नहीं है इम्प्लोजन है, यानी ब्लास्ट जो है बिल्डिंग की पेरिफेरी के भीतर ही उसके पार्टिकल्स जाएंगे बाहर की ओर नहीं जाएंगे। बस इंतजार है 2:30 का जब बटन दबेगा और 9 से 12 सेकंड का वो पूरा समय, दो बार में आपको यही बताएं दो बार में पूरा धमाका सुनाई देगा लेकिन एक से दूसरे धमाके के बीच का जो डिफरेंस होगा वो लगभग 1 मिलीसेकंड का होगा। जेपी फ्लाईओवर की तस्वीरें आप देखेंगे, सिर्फ मीडिया कर्मी ही आपको इस वक्त जो है वो नजर आएंगे क्योंकि प्रशासन ने तमाम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सुबह से ही मॉर्निंग वॉक करने आ रहे थे, अपने बच्चों को यहाँ पर घुमाने के लिए आ रहे थे, सेल्फी लेने के लिए आ रहे थे, उनको सबको यहाँ से डाइवर्ट जो है वो कर दिया गया है। और आपको मैं जानकारी दे दूँ कि जब ये पूरी तरीके से इमारत में ब्लास्ट होगा उससे महज तकरीबन
15 से 20 मिनट पहले के आसपास नोएडा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। आसपास किसी प्रकार की कोई आवाजाही जो है वो नहीं होगी। सोसाइटी के जो तमाम लोग थे उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने तमाम जो घर हैं यहाँ से जो है वो खाली करके जाएं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर रहते लगभग 7000 के आसपास यहाँ पर लोग थे, उनको यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से टास्क फोर्स टीम तैयार की गई, उसके जरिए जो है उनको इवैक्यूएट जो है वो किया गया। मॉनिटरिंग लगातार प्रशासन की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के जो है वो की जा रही है। तमाम इस एरिया के अंदर नो फ्लाइंग जोन जो है वो पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल कुछ फ्लाइट जो है वो उठती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन उस वक्त जब ये पूरा इंसिडेंट होगा उस वक्त पूरी तरीके से कोई भी फ्लाइट, कोई भी ट्रैफिक की आवाजाही, कोई भी शख्स, एक परिंदा भी अगर कहा जाए तो पर वहां पर इस इलाके के अंदर, इस पूरे सोसाइटी के आसपास जो है वो नजर नहीं मारेगा।